लेट्स कंटिन्यू विथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में 1/15, 1/12, तो हम जब डी कैलकुलेट करेंगे तो 1/12 - 1/15 होगा। एलसीएम आपका क्या आया, 12, 15 4 = 60, 12 5 = 60, सो एलसीएम इज 60, 12 5 = 60, तो 5 इधर आएगा, 15 4 = 64 इधर आएगा, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1/60, डी इज +1/60, ठीक। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, हमको सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो अब हम SN का फॉर्मूला लगाएं, दैट इज n/2 2a + n-1 d। n इज 11 11/2, a इज 1/15, तो 2 × 1/15 विल बी 2/15 प्लस 11 - 1 दैट इज 10 × d आपका क्या है, 1/60। 0 से 0 कैंसल, तो बहार आपका 11/2, ब्रैकेट में 2/15 + 1/6, 15 और 6 का एलसीएम आपका आएगा 30, बाहर 11/2 एज इट इज़, 15 × 2 = 30, 2 × 2 = 4, 6 × 5 = 35, राइट। तो ये आपका हो गया 11/2 × 9/30। अब कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 9 = 99, 30 × 2 = 60, तो सम क्या आ गया आपका, 99/60, क्लियर। अब हम चले नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हमने कल कर लिया था, तो हमें सेकंड पार्ट करना है। इसमें हमारे पास क्या है, सम निकालना है हमें इस एपी का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए, ए इज 34, लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो an = 10। ये अप टू 10 टर्म्स नहीं लिखा है, यदि टर्म्स लिखा होता तो नंबर ऑफ टर्म्स होता, प्लस 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 10 मीन्स दिस इज द लास्ट टर्म, तो an है 10। कॉमन डिफरेंस 32 - 34, डी क्या हो गया, -2। तो सबसे पहले आपको पता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट n, n कैलकुलेट के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला an = a + n-1 d। तो 34 + n-1 × -2 = 10, ये होगा। अब ये 34 = के उधर ट्रांसपोज होगा, तो 10 - 34 विल बी -24 डिवाइडेड बाय -2 = n-1, इसको कैंसिल किया, +12 - 1 इधर आके ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, 13, हाँ n आ गया 13। अब हमको सम निकालना था, तो SN के लिए अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, n/2 a + an, दैट इज सिंपलर टू यूज़, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आर 13, फर्स्ट टर्म है आपकी 34, लास्ट टर्म है आपकी 10, तो 13/2 × 44 कैंसल हुआ, आ गया 22, 13 × 2 = 26, 2 × 13 = 26, 2 = 28, तो सम आ गया 286। क्लियर, तो ये आपका सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, उसमें आपको एपी में नंबर फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है, -5, ए इज -5, लास्ट टर्म -230, और डी क्या होगा, -8 - -5, दैट इज डी इज -3, नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन नेगेटिव साइड, तो कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा, तो डी हो गया आपका -3। अब फिर से आपको पता है कि पहले ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, तो ए एन है -230, ये -5 इधर से इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसके डिविज़न में आना है, दिस इज इक्वल टू n-1। कम मार्क्स में क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो -230 + 5 क्या बचा, -225 डिवाइडेड बाय -3, -, कैंसल, 3 7 = 21, 3 5 = 15, 75 + 1 n = 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 76। टोटल देर आर 76 टर्म्स इन दिस एपी, और हमको इसका सम निकालना है, तो 76/2 ब्रैकेट में -5 - 230
प्लस करेंगे, दोनों का साइन नेगेटिव है तो ऐड होंगे, साइन माइनस ही आएगा। तो ये 76 टू से कैंसिल होता है तो ये हो गया 38। तो 38 टाइम्स माइनस 235। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं तो पता है मुझे क्या ऐसा, ये इवन नंबर है वो 5 है, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिखा 19 इंटू, इसको 5 से डिवाइड करेंगे मतलब 190 हो जाएगा। ये देखो यदि डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो दिस इज़ 19 टू ज़ा, हाँ, और ये माइनस साइन तो आएगा ही, इंटू 5 टाइम्स 47 है ना। तो अब ये 2 5 10 हो गया, तो ये आपका 10 हो गया, तो 190 हो गया। अब आपको 47 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली 47 को 19 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 19 7 133 है ना, तो 19 7 133 तो बचेगा 3, कैरी आया 13, 19 4 76 893 और 10 के कारण 0, तो आंसर -8930। कैलकुलेशन जैसे तुम्हें डायरेक्ट करनी है डायरेक्ट कर लो, आंसर आपका क्या आया -8930। एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं इन केस ऑफ एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, इसको नीचे नीचे शिफ्ट हो जाए तो ईजी होगा यूज़ करना। क्या था 38 इंटू 235 8930, साइन नेगेटिव आएगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया इसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एपी। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में आपको जो चीज़ें हम इसमें से देख देख करके लिखते थे कि फर्स्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, सम क्या है, डी क्या है, व्हाट इज़ गिवन टू यू, वो काम उन्होंने कर दिया है ना, एक स्टेप आपके लिए कम कर दी। तो आप जो देख के क्वेश्चन को देख कर, एपी देख करके हमको लिखना पड़ता था क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वो सब उन्होंने आपको सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली दे दिया कि फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, nth टर्म 50 है, तो n निकालो और सम निकालो, ठीक है। a है, d है, an है, तो n निकालना है और sn निकालना है। तो an का फॉर्मूला हम पहले लगा दें ताकि हमारा n निकल जाए, हाँ, a प्लस n माइनस 1 d, an इज 50, प्लस ए इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 एज इट इज़ एंड डी इज 3। अच्छा, ये कई बार बेटा मैं एन माइनस 1 बहुत पास में लिख देती हूँ, तो ऐसे करके इसको प्लस मत कर देना, एन प्लस गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, यू शुड राइट इट क्लियरली, थोड़ा साफ सुथरा ही लिखना चाहिए, थोड़ा गैप दे करके लिखो, एन माइनस 1 इंटू डी वॉज 3, थोड़ा चिपक जाता है ना, तो वो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे तो प्रैक्टिस है, बट आप हो सकता है कि उसको प्लस समझ लो। तो 50 माइनस 5 45, 3 डिवीज़न में आया, 15 थ्री ज़ा 45, माइनस 1 का प्लस 1 इधर, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 16, एक आंसर आपका आ गया, n इज 16। अब हमसे sn भी पूछा है, अब देखो अब आपसे sn मतलब s16 पूछा है, अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और अच्छा और an मतलब a16 भी है, ठीक है, और आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डी भी है। हमको सम निकालने के लिए हमारे दो फॉर्मूले थे जिसमें हमें फर्स्ट टर्म चाहिए थी, कॉमन डिफरेंस चाहिए था, और नंबर ऑफ टर्म्स सम कॉम आपका ये एन ए ए एन एस सब में कॉमन था, एक में डी था एक में ए एन था। यहाँ आप देखो आपके पास ए भी है, डी भी है, ए एन भी है, और एस एन हैज टू बी कैलकुलेटेड। तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो, है ना, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी भी लगा सकते हो और एन बाई टू ए प्लस ए एन भी लगा सकते हो, चॉइस आपकी है, बट द बेटर ऑप्शन इज ए प्लस ए एन। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू ए प्लस ए एन, है ना, वो जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 16 बाई टू, ए क्या है 5 और ए एन क्या है 50, तो ये कैंसिल होके 8, तो 8 टाइम्स 55 440, तो आपका सम ऑफ 16 टर्म्स क्या आ गया 440। तो एन 16 एस 16 इज 440, एस 16 इज एस एन, एन वो था ना, इसलिए एस एन इज एस 16, क्लियर। तो ये इस तरह से हमको करना था। सेकेंड पार्ट में देखें तो गिवन है ए 7 है, फर्स्ट टर्म 7 है, ए 13 मतलब 13th टर्म 35 है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। तो देखो सम ऑफ 13 टर्म्स तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना डी कैलकुलेट किए, यू कैन कैलकुलेट एस 13, क्योंकि एस 13 का फॉर्मूला क्या होगा 13 बाई टू
ए प्लस ए थर्टीन यही होगा, और ए थर्टीन दोनों हैं आपके पास, तो ये हो गया 13/2 इंटू 7+35। 35+7=42, 42 डिवाइडेड बाई 2 इज 21, तो 13/2 इंटू 42 कैंसिल किया 21, 21 थ्री ज़ा 63, 6 21 और 6 27, तो आंसर आपका आ गया सम ऑफ 13 टर्म्स इज 273। अभी हमको डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए बेटर क्या है, ए एन वाला फॉर्मूला। एस एन भी यूज़ कर सकते हो पर ए एन इज ईजियर टू यूज़। तो ए 13 क्या होगा, ए प्लस 12 डी, ए 13 35 है, ए इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल टू 12 टाइम्स डी, डी ही कैलकुलेट करना है। तो 35 माइनस 7 28 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू डी, तो 4 3 12, 4 7 23, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/3। जो भी आंसर है उसको हाईलाइट कर दो, डी 7/3, सम ऑफ 13 टर्म्स इज 273, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, तो लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। गिवन ए 12, व्हाट इज ए 12, 12th टर्म, और डी दे रखा है, 12th टर्म दे रखी है, डी दे रखा है। 12th टर्म दी है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता चल गया कि 12 है, तो आपसे पूछा है फर्स्ट टर्म क्या है और सम ऑफ 12 टर्म्स क्या है, दो चीज़ें पूछी हैं। तो ए 12 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 11 डी, ए 12 इज 37, ए हमें पता नहीं है, 11 टाइम्स डी इज 3, तो 11 थ्री ज़ा 33, इधर आके माइनस होगा, 37 माइनस 33 वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4। एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एस 12, सम ऑफ 12 टर्म्स, तो 12/2, आपके पास 12th टर्म भी है और आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, तो आप सीधे ए दैट इज 4 प्लस ए 12 मतलब 37 फॉर्मूला लिखकर फिर करना। हाँ, मैं थोड़ा अभी शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि एक जैसे ही बार बार करना पड़ता है। 6 टाइम्स 37 प्लस 4 41, आंसर आ गया 246, तो इसका आंसर आपका सम ऑफ 12 टर्म्स इज 246। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन ए 3 मतलब थर्ड टर्म 15 है, व्हाट इज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 15। फिर बोल रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स, एस 10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा, 10/2, 2a प्लस 10 माइनस 1 9d, दिस इज इक्वल टू 125। आपको कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म कैलकुलेट करनी है। हाँ, इतना काम उन्होंने आपका बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो और कैलकुलेट क्या करना है उस पर फोकस करो। डी कैलकुलेट करना है, यू गॉट टू लीनियर इक्वेशंस राइट, इसको इससे कैंसिल किया 5, 5 से इसको कैंसिल किया, 25 5 ज़ा 125, तो यू गॉट अ इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। एलिमिनेट करना चाहते हैं हम, अभी तक आपने जितनी इक्वेशन सॉल्व की सब में ए ए आता था या 2a आता था, इसमें आपको बिकॉज एक ए है और एक सम ऑफ 10 टर्म्स है, एक ए में इक्वेशन है कि इसमें, इसलिए एक जगह ए है एक जगह 2 है, तो हम इस इक्वेशन को यदि मल्टीप्लाई कर दें 2 से, डायरेक्टली लिख दूँ 2a प्लस 2 2 ज़ा 4d इक्वल टू 15 2 ज़ा 30। नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशंस, 9d माइनस 4d दैट इज 5d इक्वल टू माइनस 5, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस 1। हमसे d पूछा था, d आ गया। अब यदि हम सोचें कि हम डायरेक्टली a 10 निकालें, तो a 10 आपका क्या होता है बेटा, a प्लस 9d, यू हैव वैल्यू ऑफ d पर a तो पता ही नहीं है, तो a निकालने के लिए फिर से इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये समझ में आ गया ना, तो अब अगली बार पहले a भी निकालना, डी आ गया है ए में रखेंगे, तो ए माइनस 2 इक्वल टू 15, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 17। ए प्लस 2 इंटू माइनस 1 दैट विल बी माइनस 2 इक्वल टू 15, माइनस 2 उधर ट्रांसपोज हो गया, प्लस हो गया, ए आ गया 17। अब ए 10 ए दैट इज 17 प्लस 9 इंटू माइनस 1 मतलब 17 माइनस 9, आंसर क्या आ गया, 8। तो 10th टर्म इज 8 एंड डी इज माइनस 1 फॉर दिस पर्टिकुलर ए पी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5। इसमें हमको क्या गिवन है, गिवन कॉमन डिफरेंस है 5,
सम ऑफ नाइन टर्म्स इज 75. सम ऑफ नाइन टर्म्स मतलब एन नाइन है, हाँ, एस नाइन मतलब सम ऑफ नाइन टर्म्स. सम ऑफ नाइन टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता चल गया कि नाइन है. अब बोल रहा है फर्स्ट टर्म निकालो और नाइन्थ टर्म निकालो. तो बेटा फॉर्मूला किसका लगेगा, ऑब्वियसली एस नाइन का. अब यहाँ ए प्लस एन तो नहीं लगा सकते क्योंकि डी है आपके पास, डी शुड बी यूज. तो एस नाइन इक्वल टू नाइन बाय टू, टू ए प्लस नाइन माइनस वन एट इंटू डी इज फाइव. ठीक, एस नाइन की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 75. दिस इज इक्वल टू 75. तो 9 बाय 2, अच्छा ये 2 अब देखो यहाँ पर, ये 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं. तो 9 बाय 2 इंटू 2 कॉमन लिया तो बचेगा a प्लस 4 फाइव ज़ार 20 इक्वल टू 75. ये 2 से ये 2 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 9a प्लस 29 ज़ार 180 इक्वल टू 75. ये 90 नहीं है, 9a है. तो 9a इक्वल टू 75 माइनस 180, क्या बचेगा 105, साइन नेगेटिव. तो a क्या होगा, माइनस 105 डिवाइडेड बाय 9. नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 5 प्लस 1 6, तो 3 3 ज़ा 9 बचा 1, 3 5 ज़ा 15. तो a की वैल्यू आई माइनस 35 अपॉन 3. तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ए कैलकुलेट करना था, ए आया माइनस 35 बाय 3. अब हमें नाइन्थ टर्म कैलकुलेट करनी है. तो ए 9 क्या होगा, ए प्लस 8 डी. ए है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस डी आपका क्या था 5, तो 8 5 ज़ा 40. एलसीएम लोगे 3 माइनस 35 प्लस 43 ज़ा 120. 120 में से 35 माइनस हुआ तो बचेगा क्या 85 अपॉन 3. क्लियर, प्लस में आएगा, ये नंबर प्लस वाला बड़ा था. तो नाइन्थ टर्म आपकी आ गई a 9 इक्वल टू 85 अपॉन 3 एंड a इज माइनस 35 बाय 3. ठीक, सिक्स्थ पार्ट, 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में. देखने को आपको लगेगा कि आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 किया, बट उसमें 10 पार्ट्स हैं. हाँ, तो अच्छा बनाया है उन्होंने ये वाला पोर्शन. अब फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 8, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स 90. तो क्या कैलकुलेट करना होगा, ऑब्वियसली एन, और साथ में ए एन भी कैलकुलेट करने को बोला है. तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2. अब यहाँ डी है आपके पास, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2a प्लस एन माइनस 1 डी. एस एन इज 90 इक्वल टू एन बाय 2, 2a, a इज 2, 2 टू ज़ा 4 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इज 8. यू कैन टेक 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली, या आप इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, बाद में कॉमन ले लो, जैसी आपकी मर्जी. हाँ, जो आपको इजी लगे. आप यदि इसको इधर ले जाओगे तो ये 180 हो गया, ये n एज इट इज़, ये 4 प्लस, इसको अब मल्टीप्लाई करना है. जब भी एस एन गिवन है, n हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगी n में. तो ये हो गया 8n माइनस 8. अब प्लस 4 माइनस 8 क्या बचेगा, माइनस 4. 8n माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, n से. तो 8n स्क्वायर माइनस 4n. तो इस 180 को भी हम इधर ले आए तो माइनस 180 और इक्वल टू में क्या बचा, 0. ठीक है, ये आ गया. अब आप देखो ये पूरी इक्वेशन जो है ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड कर दो. तो 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 4 5 ज़ा 20. तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0. 45 टू ज़ा 90 एंड 10 9 ज़ा 90, 10 माइनस 9 इज़ 1. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्टली हो रही है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दें. 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, है ना. माइनस 10 प्लस 9 विल गिव यू माइनस n, एंड माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 9 विल गिव यू माइनस 90. तो अब हमारा यहाँ पर इनकी पेयर में से 2n कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा n माइनस 5 प्लस, यहाँ से हमने 9 कॉमन लिया तो दिस विल बी ऑल्सो n माइनस 5. तो 2n प्लस 9 टाइम्स n माइनस 5 इक्वल टू 0. तो क्या पता चल रहा है इससे, n की वैल्यू या तो प्लस 5 आएगी या माइनस 9 बाई 2 आएगी. अब हम ऑलरेडी फर्स्ट डे से बात कर रहे हैं कि n कैन नॉट बी, n कैंट बी
नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, तो हम नेगेटिव ही लिख दें। सो एन की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो देर आर 5 टर्म्स इन दिस एपी, हमको पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा था? एन निकालो और ए एन निकालो। तो ए एन मतलब ए फाइव। ए फाइव क्या होगा? ए प्लस 4D। ए इज 2 प्लस 4 एट जा 32। 32 प्लस 2 34। तो फिफ्थ टर्म आपकी क्या है? 34। दोनों आंसर कैलकुलेट हो गए। तो ये बात बेटा याद रखनी है कि n नेगेटिव नहीं होता और n फ्रैक्शन में भी नहीं होता। फ्रैक्शन बोलो डेसिमल बोलो एक ही बात है ना। a 8 है, nth टर्म 62 है और sn 210 है। a n गिवन है, sn गिवन है, a गिवन है और n पूछा है और d भी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? d भी नहीं पता है और n भी नहीं पता है, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पर sn इक्वल टू n बाय 2 ए प्लस ए एन यूज़ होगा। यहाँ हम 2a प्लस एन माइनस 1d डाल दें तो d भी नहीं पता, n भी नहीं पता, टू वेरिएबल्स में इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो टू वेरिएबल्स में इक्वेशन बनेगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के करो कि an है, sn है, a है और n निकालना है। तो इन चारों वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करती हुई आपका फॉर्मूला क्या है? sn इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन। तो देट शुड बी यूज बेटा। तो sn क्या है? 210। n हमें पता नहीं। a 8 प्लस ए एन 62। 62 प्लस 8 क्या हो गया? 70। तो 210 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 उधर चला गया मल्टीप्लीकेशन में। 8 प्लस 62 70। 70 कहाँ जाएगा? डिवीजन में। इक्वल टू क्या बचा? n। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू 70। ठीक, 70 को भी कैंसिल कर सकते थे इससे 2 से, बट ईजी क्या पड़ेगा? 73 ज़ा 210, 3 टू ज़ा 6, एन जल्दी आ जाएगा। यदि आप इसको कैंसिल करके यहाँ 35 लिखोगे तो एन आपका होगा 210 अपॉन 35। अब 35 का टेबल थोड़ी याद है, हाँ ये से 35 सिक्सा होना चाहिए, ठीक है। तो वो फिर कैलकुलेशन फिर 5 से और 7 से करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो दिस इज़ अ बेटर प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन। 73 ज़ा 21, 3 टू ज़ा 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई? 6। एन आ गया। अब डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए अब आपके पास सबसे आसान तरीका क्या है? ए एन, दैट इज ए 6 क्या होगा? ए प्लस 5d। ए एन मतलब एन की जगह इक्वल सब्सटीट्यूट 6। तो ए 6 इक्वल टू ए प्लस 5d। ए 6 क्या है? 62 माइनस ए इधर आ जाएगा 8 इक्वल टू 5 टाइम्स डी। 62 में से 8 माइनस हुआ तो ये आया 54। डिवाइडेड बाय 5, तो d की वैल्यू आ रही है 54 अपॉन 5। आप इसको डेसिमल में करो यदि तो 10.8। ठीक, तो फ्रैक्शन में भी लिख दो, इसमें भी लिख दो, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एट्थ पार्ट। ए एन मतलब nth टर्म। ए एन 4 है, कॉमन डिफरेंस है, एस एन भी है और n निकालना है। तो a नहीं है आपके पास, हाँ n भी नहीं है और a भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? पहले a n का फॉर्मूला। तो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a n 4 है, a हमें पता नहीं, n हमें पता नहीं और d हमारा क्या है? 2। तो 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। ये माइनस 2 इक्वल टू किधर गया? तो a प्लस 2n इक्वल टू 6। आपकी एक इक्वेशन टू वेरिएबल्स में बन गई, a प्लस 2n इक्वल टू 6। या इससे आप a को क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हो? 6 माइनस 2n सब्सटीट्यूट करना चाहते हो तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब आपका दूसरा फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा? sn का। अब यहाँ d है आपके पास तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे? n बाय 2 a प्लस an भी लगा सकते हैं क्योंकि an भी है हमारे पास, हाँ तो हम वही वाला लगा लें जल्दी हो जाएगा। तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए एन, मैं उससे भी बता दूंगी, है ना। माइनस 14 इक्वल टू एन बाय 2, ए क्या है? ए है 6 माइनस 2n। आई विल सब्सटीट्यूट हियर 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू है 4। ठीक है, मैंने ए की जगह 6 माइनस 2n यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दिया ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। अब ये 6 प्लस 4 10 हो गया तो n बाय 2 10 माइनस 2n। अब ये 2 कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल करोगे 5, इसका 2 गया तो n इंटू 5 5n
माइनस एन इंटू एन इज माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। इन सबको इधर ट्रांसपोज कर दो तो इक्वेशन क्या बनेगी, एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इक्वल टू जीरो, माइनस 14 प्लस 14 नहीं, माइनस साइन ये उधर थोड़ी गया है, ये इधर ही रहा, माइनस 14 इक्वल टू जीरो, माइनस एन स्क्वायर इधर गया, प्लस ये प्लस था माइनस ये माइनस। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी हो गई, 7 टू जा 14, 7 माइनस 2 5, तो दिस इज एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू जीरो। इसमें से वी विल टेक n कॉमन, या आया n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन, अगेन n माइनस 7 इक्वल टू जीरो। कैन यू से व्हाट विल बी द आंसर नाउ, n 2 आएगा या 7 आएगा, तो n माइनस 7 और n प्लस 2 है तो n 2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनस 2 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी 7 एंड माइनस 2 दिस विल बी डिस्कार्डेड, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 7, देर आर 7 टर्म्स इन दिस एपी। ठीक, अब ये आ गया, अब हमको a निकालना है, तो 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 6 माइनस 14 आंसर क्या आ गया माइनस 8, फर्स्ट टर्म आपकी आ गई माइनस 8। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि a को a ही रखते हैं और an की जगह वैल्यू रख देंगे, an की जगह रख दिया 4, तो ये हो गया a प्लस 4 टाइम्स, सॉरी 2 उधर भेज दिया, तो माइनस 28 इक्वल टू n टाइम्स a प्लस 4, तो ये हो गया an प्लस 4n इक्वल टू माइनस 28। ये कर लेते हैं, तो an को a को इससे सब्सटीट्यूट करो क्योंकि a और n मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, एस एन गिवन है, एन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, इट हैज़ टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, या तो एन को यहाँ से एन को निकालो, 6 माइनस ए बाई 2, तो अपॉन में 2 पता है लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हो, नहीं रखते अपन, अपन ऐसी वैल्यू का वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं जो सिंप्लीफाई हो, है ना, तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे ए की। अब हम अच्छा, अब ये फॉर्मूले की जगह, ये तो आपने सेम किया, पर इस फॉर्मूले की जगह यदि आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, एस एन इक्वल टू एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो क्या होगा, तो एस एन की वैल्यू तो माइनस 14 है, एन बाय टू एज इट इज़, टू ए एज इट इज़, एन माइनस वन एज इट इज़, डी इज 2, ये आएगा। अभी भी आपको क्या दिख रहा है, 2 2 तो सबके पास है, यू कैन टेक दिस 2 2 2 कैंसल, तो ये 1 हो गया, तो एन टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 माइनस 14 इक्वल टू एन टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1, ये बचा। अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो माइनस 14 इक्वल टू एन टाइम्स ए की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 6 माइनस 2n और आगे का प्लस एन माइनस 1 एज इट इज़। ठीक, ये अब आपका ये हो गया, लाइक टर्म्स कंबाइन, 6 माइनस 1 5, माइनस 2n प्लस n इज माइनस n मल्टीप्लाइड बाय बाहर वाला n, तो ये हो गया 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14, ये दोनों उधर गए तो इक्वेशन क्या बनी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू जीरो। बाकी सॉल्यूशन सेम इक्वेशन आ गई है, हाँ आप देखोगे तो ये आपकी पहले भी इक्वेशन यही आई थी, हाँ n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू जीरो, फिर बाकी का सॉल्यूशन विल बी सेम। ठीक है, तो समझ गए, आप फर्स्ट फॉर्मूला लगाओ सेकंड फॉर्मूला लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, बस आपको करने में कोई चीज़ इजी लगेगी, एक मेथड इजी लगेगी, एक थोड़ी सी टफ लगेगी, तो जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे रहने दो, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, फर्स्ट टर्म 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है और सम 192 है, मतलब सारी टर्म्स का, यदि सम के नीचे sn मेंशन नहीं किया है, सिर्फ सम गिवन है, मतलब सबका ही सम है, यदि टर्म्स 8 है तो 8 टर्म्स का सम है ना, ये ऑब्वियस है, आपको कॉमन डिफरेंस पूछा है तो आपके पास फॉर्मूला एक ही है, sn इक्वल टू n बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला लगेगा, तो सम क्या है 192 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 8 बाय 2 टू ए 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7 डी, ये होगा। अब देखो क्या होगा, 2 से 8 कैंसल, ये 4 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, 192 अपॉन 4, सीधे इधर मल्टीप्लाई मत करो, 4 6 जा 24 ऐसे सब मत करो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 4 जा
16 बचा 3, 4 8 जा 32, 48 आ गया, और इधर सिंपल 6 प्लस 70, तो 48 माइनस 6, 6 उधर जाएगा, 48 माइनस 6 42 इक्वल टू 70, 7 आ गया डिनोमिनेटर में, d आ गया 6, तो d कम्स आउट टू बी 6, सिर्फ d पूछा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। आई थिंक 10th, हाँ 10th इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 10th पार्ट में आपको क्या गिवन है, L, what is L? L is last term, है ना, हमने बात की थी कि number of terms जो भी हैं fix है, finite AP में last term, AN is known as last term, तो आपको L given है, sum given है, और बोल रहा there are total 9 terms, language में थोड़ा सा direct N equal to 9 लिखने की बजाय, they have written there are total 9 terms, मतलब number of terms ही तो हुआ ना, तो इसका मतलब N 9 है। अब आपसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म बताओ, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो सम का मैं पहले से बताते आ रही हूँ आपको, है ना, क्योंकि ए एन है, एस है, एन है, तो हम एन बाई टू ए प्लस ए एन, ए एन की जगह आप एल भी यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला, तो 144 इक्वल टू 9 बाई टू, फर्स्ट टर्म पता नहीं, लास्ट टर्म 28, ठीक, ये 9 इधर जाएगा, तो ये 12 16 नाइन ज़ा 144 होता है ना, 9 144 इंटू 2 अपॉन 9 इक्वल टू ए प्लस 28, ये बचेगा, कैंसिल करें, सिक्सटीन टू ज़ा 32, 28 इधर गया माइनस 28 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 4, तो फर्स्ट टर्म ही निकालनी थी, तो लास्ट के दोनों पार्ट एकदम इजी थे, उसमें डी निकालना था, इसमें ए निकालना था, क्लियर। तो इसके साथ आपके 10 पार्ट्स फिनिश। अब आएंगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस, जैसे हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब आपको ये सुविधा नहीं है कि सीधे सीधे दे दिया कि क्या क्या है, अब आपको सोचना पड़ेगा, ये एपी है तो आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस 17 और 9 में डिफरेंस कितने का है, 8 का, है ना, और मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, सम 636 है, मतलब एस एन 636 है, एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एन। तो देखो यदि आपको ये वाले 10 पार्ट्स अच्छे से आते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चंस भी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, वही है ना, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखे हैं, पर ये चीज़ मैं आपको शुरू से सिखा रही हूँ कि क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करते जाओ, जो हमको फॉर्मूले में चीज़ें लगनी है उसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो बेटा आपको, आपके लिए अभी बहुत आसान है, सम गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन देन एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है, एस एन है 636, एन हमें पता नहीं है, 2a 9 टू ज़ा 18 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 8। अब देखो इसको नंबर को जितना सिंप्लीफाई करते जाए उतना अच्छा, मैं इधर भेजूंगी मुझे मल्टीप्लाई करके 1272 लिखना पड़ेगा, उसकी बजाय इट्स बेटर कि मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ये 8 है, ये 18 है, ऑल नंबर्स आर इवन, तो हम 2 कॉमन लेके कैंसिल यहीं पे कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम नंबर्स की कैलकुलेशन को एक्सपेंड करें, तो ये 636 ही रहने दो, ये n बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 9 प्लस n माइनस वन इंटू 4, हाँ ये 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल किया तो ये प्लस 4n माइनस 4, इसी स्टेप में कर दिया मैंने, ये 2 कैंसिल, एक्चुअली लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, n टाइम्स 9 प्लस 4 आया 4n माइनस 4, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 636, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली आप, तो अब 9 माइनस 4 क्या बचा, 5, 5 इंटू एन क्या होगा, 5n प्लस 4 इंटू एन इंटू एन क्या होगा, 4n स्क्वायर, इस 636 को इधर ले आए तो माइनस 636 और इक्वल टू में क्या बचा, 0, पर जनरली हम इक्वल टू 0 हमेशा इधर लिखते हैं, है ना, दिस इज़ द ट्रेडिशन, कन्वेंशनल वे है कि इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में लिखो। अभी इक्वेशन को अरेंज कर लें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर है की जगह एन स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज़ करें, c नेगेटिव है, रूट्स कैसे होंगे,
रियल एंड डिस्टिंक्ट, ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात याद आ गई। अब हम करें डिस्क्रिमिनेंट, ए क्या है 4, बी क्या है 5 और सी क्या है -636। लेट्स कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट विच वॉज बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 4 16, तो 636 इंटू 16 करना है। ये किसका स्क्वायर है, ये आया एक्चुअली 25 प्लस 10176, ऐड किया हो गया 10201। ये यदि आपने 8th में पैटर्न्स पढ़े होंगे तो आई होप यू रिमेम्बर रूट डी की वैल्यू, हाँ ये उसका है 101 का स्क्वायर है, ये 101 का स्क्वायर है, तो रूट डी 101 आएगा। अभी देखो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार, 101 इंटू 101 इक्वल टू 10201। वो 8th में था ना आपका, आपको कुछ पैटर्न्स गिवन थे कि 1 का स्क्वायर 1, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर 101 का स्क्वायर, तो इधर 0 इधर 0, फिर 0 0, कुछ बढ़ते जाते हैं वो पैटर्न, तो रूट डी की वैल्यू 101 आ गई। ठीक है, अब हमारा एक्स इक्वल टू नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, क्वेश्चन एन की टर्म्स में है, तो एपी के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते वक्त ये बात याद रखना ज़रूरी है कि हम एक्स इक्वल टू ना लिखें, एन इक्वल टू लिखें, याद रखना, नहीं तो ये गलत है। यदि आप एक्स इक्वल टू लिख दो तो एन इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी, बी प्लस 5 है, माइनस 5 प्लस माइनस रूट डी 101 अपॉन 2 इंटू 4, ए इज 4, तो ये क्या हो गया एक बार, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, वैल्यू दोनों निकालनी पड़ती है, हमको पता है नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है बट कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी, वी कैन नॉट लीव इट। तो माइनस 5 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 4, 2 क्या हो गया 8, और एक बार क्या होगा माइनस 5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर हमारी हो गई माइनस 106 डिवाइडेड बाय 8, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की बजाय हम लिख देंगे नेगेटिव, नॉट एक्सेप्टेबल, डिस्कार्डेड। पॉजिटिव में क्या हुआ, 101 में से 5 गए, बचेगा 96 अपॉन 8, 12 8 96, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 12, एन आ गया 12। आपको क्या कैलकुलेट करना था, हाउ मेनी टर्म्स आर रिक्वायर्ड, राइट, तो टर्म्स कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड है 12, 12 टर्म्स का सम विल बी 636, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन था 4th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, हाँ सीधे सीधे बोल रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब आप सीधे लिख दो ए इक्वल टू 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज ए एन या एल इक्वल टू 45, एंड द सम इज 400, तो एस एन क्या गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मीन्स एन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड डी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, ए है ए एन है एस एन है, एन और डी निकालना है, हमने ऐसा क्वेश्चन अभी 3rd के पार्ट्स में किया था, तो आपके पास ए है ए एन है एस एन है, एन हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, एन बाय 2a प्लस ए एन, ठीक है, तो सम कितना है 400, एन हमें पता नहीं और ए है 5, ए एन है 45, तो 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 5 8 40, 8 2 16, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 16, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट, एन आ गया आपका 16। अब डी निकालना है तो हम फॉर्मूला किसका यूज़ करेंगे, nth टर्म का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मेरी आदत ही है मैं इसको चिपका के लिख देती हूँ, है ना, ये माइनस वन, थोड़ा गैप होना चाहिए, ए एन इज़ 45, ए इधर आएगा माइनस होगा 5 इक्वल टू एन 16, 16 माइनस वन 15 टाइम्स डी, 45 माइनस 5 इज़ 40,
तो 40/15 = D। और ऐसे नहीं छोड़ना, कॉमन नंबर है, हाँ, जब भी फ्रैक्शन में हो, रैशनल नंबर्स में हो, तो आंसर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब देयर एचसीएफ शुड बी 1। आंसर आएगा कॉमन डिफरेंस का 8/3। ये बात याद रखना बेटा, 40/15 इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 8/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 में बोला द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, मीन्स फिर से फर्स्ट और लास्ट दे दी, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। तो मैंने ऐसे लिख दी ना, रिस्पेक्टिवली ए फिर एन, ए से 17 and 350। अब हमको क्या बोल रहा है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी की वैल्यू 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड वॉट इज देयर सम, तो वॉट यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट एन एंड एस एन, दोनों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एन का, उससे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आएगी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस, फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है, बिना फॉर्मूला लिखे वैल्यू कैसे रखोगे, हाँ फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। तो 350 = 17 + n-1 × d = 9, तो 350 - 17 / 9 = n-1। (3:33)/9 = n-1, नंबर 9 से डिविजिबल है, 37 + 1 = 8, तो n क्या हो गया 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 38। अब हमसे क्या पूछा है उसके बाद, सम ऑफ n टर्म्स, और a और n है और n भी आप निकाल चुके हो, तो Sn के लिए अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2a + n। देखो यहाँ पर भी d था, तो आपके पास ऑप्शन था, आप 2a + n-1d यूज़ कर सकते थे। मैंने कहा था ना आपको, कई क्वेश्चन में आपके पास दोनों लगाने का ऑप्शन होगा, कि n/2a + n भी यूज़ कर सकते हो और n/2 2a + n-1d भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको बेटर चॉइस ये वाला फॉर्मूला उस केस में, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, n 38 था, तो 38/2 दैट इज 19 times, a 17 + 350, तो ये हो गया 19 times 367। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम डायरेक्टली टाइम बर्बाद करने की बजाय, पर आपको तो सारी कैलकुलेशन करनी है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन द एग्ज़ाम्स। 6973, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अभी मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि टू सेव टाइम, हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे इतनी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब 22 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 22 है, इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म, 22nd टर्म ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज 149। तो आपको बोल रहा है फाइंड द सम, मतलब S22 हैज टू बी कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है, 22nd टर्म है, सम पूछा है, पर फर्स्ट टर्म तो दी नहीं, बिना फर्स्ट टर्म के आप सम थोड़ी निकाल सकते, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि हमें पहले तो फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगी। तो हमें फॉर्मूला A22 विल बी रिटर्न एज A+21D। A22 149 है, A+21 × D क्या है 7, तो 149 ये मल्टीप्लाई करोगे 147 उधर ट्रांसपोज होगा इक्वल टू A, तो A की वैल्यू क्या आ गई 2। अब जैसे ही A आ गया, आप S22 को क्या लिख सकते हो, 22/2 A+A22 वाला फॉर्मूला, A+An। हाँ यहाँ भी आपके पास दोनों की चॉइस है, ये कैंसिल हुआ 11 times, A (2) + 149, तो 11 × 151, तो 11 × 151 1661, ये आंसर आ गया 151 × 11 = 1661, ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब सम ऑफ 51 टर्म्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड. उस सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स मतलब A2 और A3 आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली. सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, क्या निकल जाएगा डायरेक्टली? हाँ, 4 किसकी वैल्यू आएगी? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस, तो मैं डायरेक्टली A3 माइनस A2 इक्वल टू D लिख सकती हूँ. तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, कॉमन डिफरेंस मेरा डायरेक्टली आ जाएगा, बजाय इसके मैं A+D A+2D करूँ. आप डायरेक्टली, आपको ये याद रहे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करोगे, A कैंसिल और D में भी 1 का गैप है, तो 3D 2D - D दैट इज़ D इक्वल टू 4. ठीक है, D हमारा बिना कुछ ज़्यादा किया आ गया. अब सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, A तो है नहीं, पर सेकेंड टर्म क्या होता है? A+D और D क्या है? 4 उधर जाएगा, 14 - 4 = 10, तो A की वैल्यू क्या आ गई? 10. A कम्स आउट टू बी 10, D इज 4. अब आपको निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, मतलब N क्या है? 51. तो क्या हो जाएगा? 51/2, 2 × 10 + 51 - 150 टाइम्स 4. यही होगा. बॉड मास का ध्यान रखना, हाँ, ये 20 + 54 = 200 × 51/2. इसको डेसिमल में करने की ज़रूरत नहीं, इवन नंबर है, डायरेक्टली कैंसिल होगा. तो ये हो गया 51/2 × 220, कैंसिल किया 110, मल्टीप्लाई किया 0, 5610, ये आ गया आपका सम. ठीक है, विद दिस आवर टुडेज क्लासेस ओवर. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास. थैंक यू.